नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, फाइनली एनवीडिया लॉन्च कर चुका है अपना ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड सबसे बजट सेगमेंट का GTX सीरीज का कार्ड, जो कि है GTX 1650। और आई नो वेरी वेल कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड थे इस कार्ड का परफॉर्मेंस जानने के लिए। काफ़ी टाइम से लीक्स निकल कर आ रहे हैं, रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट था कि बजट सेगमेंट का GTX कार्ड जो कि आएगा 1650, उसका परफॉर्मेंस आखिर होगा कैसा। तो आज के वीडियो के लिए गाइस, मेरे पास में है Inno3D की तरफ से आने वाला GTX 1650 Twin X2 OC वेरियंट, जिसका मार्केट प्राइस आपको अराउंड 12,700 रुपए का मिलेगा। ऑनलाइन भी इसके आसपास ही आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा जहां से आप बाय कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सिंगल फैन वेरिएंट के इस कार्ड की, तो आपको 11,600 रुपए में इसका सिंगल फैन वेरिएंट मिल जाएगा। तो आइए गाइस, सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं GTX 1650 के कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कार्ड बेस्ड है NVIDIA के लेटेस्ट ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे। यहां पर हमारे को 896 CUDA कोर्स दिए जाते हैं, साथ ही में 4GB GDDR5 128-bit मेमोरी यहाँ पर दी जाती है। कार्ड की TDP 75 वॉट की दी गई है, और साथ में आपको किसी भी तरह के पावर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको पावर अप करने के लिए। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर PSU की बात करें तो 300 वॉट मेंशन किया गया है, विच मीन्स कि अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का 450 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली आजकल हर कोई करता ही है, तो आप बिना किसी दिक्कत के इस कार्ड को अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि NVIDIA ने ऐसा दावा किया है कि ये कार्ड GTX 950 से दो गुना यानी कि 2 times ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है आपको। और वही बात करें एक 1050 के कंपैरिजन में, 1050 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट 1050 Ti, 1050 के कंपैरिजन में 70% ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा होता है या नहीं, आइए जल्दी से कुछ गेमिंग टाइटल्स को बेंचमार्क करते हैं और उसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं।
you did to me once now, baby, but I'll never let you win again. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you win again. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट की यहाँ पर बात कर ले बेंचमार्क्स को देखने के बाद, तो आई थिंक कि ये कार्ड एक बहुत ही सॉलिड रिप्लेसमेंट है GTX 1050 Ti को, जो कि लास्ट जेन का पास्कल सीरीज का कार्ड था बजट सेगमेंट का, उसके हिसाब से काफी सॉलिड रिप्लेसमेंट है उस कार्ड के लिए। लेकिन लेट्स फेस द रियलिटी, आई थिंक कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस था इस कार्ड से और जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे वो इससे काफी ज्यादा थे। तो ऑब्वियसली जंप देखने को आपको यहाँ पर जरूर मिलता है ट्यूरिंग आर्किटेक्चर में एज कम्पेयर टू द 1050 Ti, लेकिन स्टिल जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हम लोग अपने मन में बनाकर चल रहे थे, मेरे हिसाब से वहां तक ये कार्ड नहीं जा पाया। लेकिन हु नोज, मे बी ड्राइवर अपडेट आ जाए और उसके बाद जो कार्ड का परफॉर्मेंस है वो इससे बेटर हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट ड्राइवर्स है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनको यूज करते हुए आपको GTX 1650 से कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और फिलहाल गाइस मेरे पास यहाँ पर 1050 Ti रखा हुआ है, 1060 रखा हुआ है और 1650 भी रखा हुआ है। तो इफ यू गाइस वांट कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तीनों कार्ड्स को बेंचमार्क करते हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, मैं इसके ऊपर भी जल्द एक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।